Yes, boss. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Moji. Happy birthday to you. I'm so happy, yaar. Mere itne achhe dost hain, itne achhe dost hain. Main emotional ho gaya hu yaar. Ek minute. Matlab tumko yaad raha ki aaj mera happy birthday hai? Of course, Mohan ji. Lekin ye kya bharat, itna kharcha kyun kiya? Why you wasted money? Ye phool woon lane ki kya zarurat thi beta? Mohan ji, humne kahan paise barbaad kiye? Paros ke gol maidan mein kal aapko shaadi thi. Office aate waqt subah kachre ke dabbe se le aaye. Aur sharam aati hai. Tum log apne dost ko uske janmdin pe kachre ke phool de rahe ho. Shame on you both. जी आपने तो कहा था डोंट मेस विद मी लेकिन फिर भी यार मोहन जी वो सब जाने दो पार्टी कब दे रहे हो पार्टी वार्टी लेकिन कमाल है भाई आपको किसने बताया कि आज मेरा बर्थडे है किसने बताया और इसने ये भी बताया कि आज शाम को एक शानदार पार्टी दे रहे हैं मोहन जी पार्टी कवर कहां है और ड्रेस कोड क्या होगा पैसे मीरा को मालूम पड़ेगा ना पार्टी दे रहा हूँ उससे पैसे लेकर तो थप्पड़ मारे उल्टे हाथ का मेरे मुँह पे आइडिया मोहन जी आप ऑफिस के रिलीफ फंड से पैसे निकाले क्या रिलीफ फंड क्या प्रोविडेंट फंड मेरे पास एक नया थैला नहीं है यार सब लेके मैं खा चुका हूँ छोड़ यार अपना दोस्त बहुत गरीब है छोड़ यार ऐसी बात नहीं है मैं गरीब नहीं हूँ ये बात नहीं है भरत तो आप सदु डोंट टॉक नॉनसेंस ठीक है एक काम करते हैं ना तो एक चार पांच समोसे मंगा अरे छोड़ ना सदु समोसे बहुत महंगे आते हैं एक काम करते हैं चाय बिस्कुट से भरत इतना भी क्या गुजरा नहीं हूँ मैं कि तुम लोग चाय बिस्किट खाओ मेरे बर्थडे पे करता हूँ जुगाड़ पकड़ो शाबाश करता हूँ शाबाश बोल दी ये हुई ना बात यार निकल पड़ी गुड मॉर्निंग सर आइए आइए मेरा जी खुशामदीद आपने मुझे दीदी कहना शुरू कर दिया है ये कैसी बेतुकी बातें कर रही है मेरा जी मैं दीदी क्यों कहूंगा आपको मतलब खुशामदीद का मतलब है जिसके दीदार करने से खुशी हासिल हो उसे खुशामदीद कहते हैं आई एम सो सॉरी सर आई एम सो सॉरी दरअसल आप इतनी शुद्ध हिंदी बोलते हैं ना सर कि आपकी आधी बातें मेरे समझ में आती नहीं नहीं मेरा जी हिंदी का वर्ड नहीं ये उर्दू का वर्ड है ओ माय गॉड सर आई एम रियली सॉरी आप तो जानते ही हैं कि मेरी हिंदी भी वीक है और मेरी उर्दू भी वीक है सर मेरा बस अरे तो मैं आपके लिए एक ट्विटर रख लूं मेरा जी आई डोंट थिंक ही विल चार्ज मोर देन 5-10,000 सर अगर आप कहें तो 10,000 में मैं सिखा दूंगा मैडम को आपको खुद हिंदी आती है क्या? Of course sir, मैंने PhD किया नेपाल यूनिवर्सिटी से। तो वहीं जाइए ना फिर। Sir, excuse me, VP साहब ने बुलाया था सर, I'll just be back, excuse me. भगा दिया मेरा जी को आपने? कहिए क्यों आए हैं यहाँ पे? सर मेरे पास 3-4 नए आइडिया आए हैं पराई औरतों को पटाने के लिए तो सर मैंने कहा इससे पहले मैं किसी और को बेचूं आपको पूछूं अगर आपको खरीदने हो आपने मुझे जेल फंस में रखा है हाउ डेयर यू इडियट सर आप पहले कितनी बार खरीद चुके हैं इस तरह के आइडिया मुझसे सर कितनी बार खरीदे आपने सर सिर्फ 10,000 में 4 आइडिया 10,000 पर डोंट वांट एनी ऑफ योर आइडियाज 2,500 पर आइडिया आई डोंट वांट मैं फ्री में ले लूंगा आइडिया आपके समझे आप खड़ा हो समय चलिए ठीक है सर कोई बात नहीं मत लीजिए लेकिन मुझे 10,000 पे लोन दे दीजिए सर प्लीज और आप वापस कैसे करेंगे सर मैं पगार मिलेगी आपको चुका दूंगा सर आपको मालूम है आपकी पगार इस महीने कितनी मिलेगी सब कट कट आके कितनी सर 350 सर मैं अपने आप को बेच दूंगा सर अपना मकान गिरवी रख दूंगा लेकिन मुझे प्लीज 10,000 पे दीजिए सर आई नीड मनी अर्जेंटली सर प्लीज आप चाहे तो लिखवा लें सर आप चाहे तो लिखवा लें ये आइडिया अच्छा पेपर है और ये पेन है यस सर इस पे आप साइन कर दीजिए ऑफ कोर्स जहाँ कहेंगे वहाँ सर 10,000 रुपये एक दो और साइन कर देता हूँ सर ताकि आपको ये ना लगे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ थैंक यू सर यू आर सो नाइस थैंक यू मोहन जी आपने ये कोरे कागज पे साइन नहीं किया आपने अपनी मौत के पैगाम पे साइन किया है बार बार दिन ये आए इतनी रात को कहाँ से आ रहे हो आवारागर्दी करके आप कौन होती है पूछने वाले मैं तो पूछ सकती हूँ एक्चुअली क्या हो मेरा कि मैं ऑफिस से बाहर निकला ना तो एक दोस्त मिल गया कहने लगा मोहन जी मत बोलो मैं सब कुछ जानती हूँ तुम सारे ऑफिस स्टाफ को होटल वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड पार्टी दे रहे थे हाँ मेरा राइट एक्चुअली क्या हुआ कि हर साल वो मुझे पार्टी देते हैं मैंने आज तक कभी पैसा खर्चा किया ही नहीं तो सबने मुझे घेर लिया कहने लगे मोहन जी ये तो बहुत गलत बात है ना एक बार तो आप भी पार्टी दीजिए तो मैंने पार्टी दी उनको तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं तुमको बोलता तो तुम मना नहीं कर देती
और तुम्हारे पास इसके पैसे कहाँ से आए? अरे बेटे, चोरी की होगी, किसी की जेब काटी होगी, डाका डाला होगा, पता नहीं। माफ करना सासू माँ, मैं बहुत शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैंने इस पार्टी के लिए 10,000 रुपए उधार लिए हैं वर्मा साहब। क्या? यस। तुमने 10,000 रुपए उधार लिए हैं पार्टी के लिए? यहाँ मैं 10-10 पैसे बचाते फिर दी हूँ, माँ ये लोन वापस कैसे होगा? तुझे ही करना पड़ेगा बेटे, तुझे ही करना पड़ेगा। जी नहीं, कटवा दूंगा पगार में से मैं। एक चवनी में से कितनी पाइयां कटेंगी? तुम्हारी पगारी कितनी है? तुम्हारे हाथ में क्या आता है, मिलता क्या है तुझे? जो भी है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं खुद बिक जाऊंगा, लेकिन वर्मा का लोन चुका दूंगा। मुफ्त में भी कोई नहीं खरीदेगा, लोन चुकाएगा। चल बेटी चल। मेरा 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 थोड़ा सा केक बच गया था, तो मैं बहुत संभाल के बचा के तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। प्लीज इसको खा लेना, प्लीज प्लीज। तुम्हें याद रहा? ऑफकोर्स मेरा। और एक बार मेरा हैप्पी बर्थडे का गाना मेरे लिए गा दो प्लीज। हैप्पी बर्थडे नहीं, गा कर। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या पार्टी थी ना। अरे यार, वो चिकन टिक्का कमाल का था। एक ही प्लेट खाया यार, लेकिन हड्डियां बहुत थी यार उसमें। हमें बोनलेस था वो। बोनलेस था और क्या। हेलो एवरीबॉडी, अरे बोनजी बोनजी, क्या पार्टी थी, क्या पार्टी थी यार। आपकी पार्टी पे पहली बार स्कॉच पी। लेकिन ये कुछ हैंगओवर हो गया ना। अच्छा, तुझे भी हुआ? उल्लू के पट्ठो, एक एक बॉटली पियोगे तो हैंगओवर नहीं होगा तुमको। जी, आपके बर्थडे पार्टी में डांस करने का क्या मजा आया, अब तो मैं आपकी हर पार्टी में आऊंगी। अच्छा, बहुत सा झूठ बोला। शर्म, कान में पहना हुआ है मतलब। मुझसे झूठ बोला कि मैं अपनी सहेली मोहिनी की पार्टी में जा रही हूँ और गई थी ये पार्टी में। अरे सर, अभी मोहिनी और मोहन में क्या फर्क है, खाली एक ई की मात्रा का तो फर्क है ना। सर पहुंचे, मैं इसे MD बनाना चाहता हूँ, आप इसे पार्टी में बनाना चाहते हैं? आज के बाद रात को निकला बंद, निकलो ऐसे, चलो जाओ। मैं आपको आपके मसूड़ों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मसूड़ों में नहीं सर, मंसूबों में। मसूड़ों में कामयाब। मोहन जी, मैं एक यस सर। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा सर। मैं भूलने दूंगा भी नहीं आपको। वकील साहब, प्लीज सर्व द नोटिस। मिस्टर मोहन श्रीवास्तव, आप ही है? जी 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 जी। हाँ, मैं मणिलाल कानून वाला हूँ। आपको कोर्ट ने नोटिस सर्व किया है, उसमें लिखा है कि इनका अंग्रेजी में हाथ तांगे। मैं जरा इसको ट्रांसलेट करके सुना। ठीक है, सुनाइए। नोटिस में ये लिखा है कि मिस्टर मोहन श्रीवास्तव, आपने इस महीने की 15 तारीख को मिस्टर विनोद वर्मा से 10,00,000 रुपए उधार लिए। नहीं, सर ये गलत है। मैंने 10,000 रुपए लिए आपसे, 10,000 लिए मैंने। देखिए, 10,00,000 लिए थे, 10,000 लिए मैंने। मैं जानता था कि आप कहीं बंद करेंगे, इसलिए मैंने इस पेपर पे आपसे ऑलरेडी साइन ले लिया था। इस पे सब कुछ साफ साफ लिखा, प्लीज पढ़ के जरा सुनाइए। मैं मोहन श्रीवास्तव अपने पूरे होशो हवास में बयान करता हूँ कि मैंने विनोद वर्मा नाम के एक शख्स से 10,00,000 रुपए उधार लिए हैं और ये सारे पैसे मैं 1 घंटे के अंदर लौटा दूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं जिंदगी भर के लिए विनोद वर्मा की गुलामी करूंगा, वो भी लगान स्टाइल में, लगान स्टाइल के कपड़े पहनकर, और मेरा नाम मोहन से गजोधर हो जाएगा। वरना देखिए, ये शर्तें अगर आपने पूरी नहीं की तो 25 साल की सजा हो सकती है आपको, आपका घर भी नीलाम हो जाएगा। 25 साल तो यूं गुजर जाएंगे। मैं जल्दी जाऊंगा सर, मैं जल्दी जाऊंगा सर, मैं जल्दी जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो फिर ये कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम। अरे लेकिन आप लोग साइन करने के पहले पेपर पढ़ते क्यों नहीं है? अरे सर, वो ब्लैंक पेपर था, मैंने बगैर कुछ नहीं था उस पर, मैंने ऐसे ही साइन कर दिए थे। गजोदर कहीं का। आओ गजोदर, आओ। इन कपड़ों में तुम पक्के गुलाम लग रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। अपने चेहरे पे गुर्बत लाओ, गरीबी लाओ, मुफलिसी लाओ। Is it all right now? No, it's not all right. It's not all right. अपनी जबान में गांव की फील लाओ, गांव की। समझ गया हूँ मेरे आका। That's good. That's good. आज से हम तुम्हारे माई बाप हैं और हम तुम्हारे अन्नदाता हैं, समझे तुम? जीवों को मेरे आका। हमारे जूतों में बहुत मट्टी जम गई है, जरा अपने इस गमछे से इस मट्टी को साफ कर। जीवों को मेरे आका। सर, the sir, why are you shaking? मेरा जी, हमारा गुलाम हमारे जूते साफ कर रहा है। गुलाम? आपका गुलाम कौन है सर? गजोदर, बाहर निकलो।
गजोदर बाहर निकलो, पैर छोड़ो, हमारे बाहर निकलो। माय गॉड सर, मोहन जी क्या हो रहा है? ये मोहन जी नहीं, ये हमारा गुलाम है, जर खरीद गुलाम, जिसका नाम गजोदर है। इसको हमने 10 लाख में खरीद लिया। 10 लाख? नहीं मालकिन साहब, झूठ बोलत रहे। हम तो खाली 10,000 रुपल्ली लेवत रहे और साहब ने आगे सिफर लगा के 10 लाख बनात रहे। गजोदर, तुम अपने मालिक के खिलाफ बकवास कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी, सिर्फ सजा मिलेगी। हम तुम्हें थप्पड़ मारने की तकलीफ भी नहीं करेंगे, सिर्फ हाथ रखेंगे, तुम अपने काल यहाँ से टकराओगे। ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, क्या है ये सब? मैडम हमसे बात ना करी, मालिक को पता चली तो बहुत नाराज हुई। मालिक मालिक क्या लगा रखा है? जो वर्मा साहब कह रहे थे क्या वो सच है? हाँ, मेरा वर्मा साहब से 10,000 रुपए उधार लिए, पता नहीं कागज पे क्या लिखवा लिया कि खरीद लिया मुझे, लीगली बिक गया हूँ, लीगली गुलाम बन गया हूँ, लीगली खत्म हो चुका हूँ मैं, मेरा खत्म हो चुका हूँ। पार्टी मनाने का बड़ा शौक था ना तुम्हें, अब भुगतो। क्या भुगतो? मालो मेरा रहने वाले तुझे मेरे दर से क्या? बस शौक, बदतमीज, नमक हराम, तुम ऑफिस आवाज में गाने गा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? गाने रहा हूं, गुनगुना रहा हूं, क्या? देखो हमारे माथे पे कुछ पसीने की बूंदें, पोछो इनको। जो हुकुम मेरे आका, अभी पोछ दई। बदतमीज, नमाकुल, तुम मेरे गंदे गमछे से हमारा माथा पोछ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? और हम लोग खुद का पसीना भी चीजें पोछती हो। तुम एक गवार गुलाम हो और हम मालिक है, समझे? तुम हमारे जेब से रुमाल निकालो और हमारा पसीना पोछो। जो हुकुम मेरे आका। किस जेब में नहीं है? इधर वाले जेब में। हमें कैसे पता चली? सामान लाते हो हमसे? यस, माथा यहाँ पे दिखता है। हाँ। और सुनो, हम लंच भी साबे कैबिन में कर रहे हैं, हमारे लंच की तैयारियां करो और हम आज तुम्हारे हाथ से लंच करेंगे, ओके? और तुम गुलाम के साथ साथ चोर भी हो, क्यों? हम कोई चोरी नहीं किया। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। चोरी नहीं। ये किस 1,000 रुपए कहाँ से? हाँ कहाँ? मोंजी, 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 ये क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो? बताता हूँ। क्या हो गया? बता नहीं यार। बॉस ने उल्लू के पट्टे मेरे बर्थडे की पार्टी खाने का चक्कर में, पार्टी खाने का, पार्टी खाने का, पार्टी खाने का। ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सरकार बहुत गर्म रही, हम फूंक मारत रहे हैं। अरे से दूर से मारो, दूर से मारो, दूर से मारो, यहां से। वर्मा जी, आपके हाथों में छोटा ही है क्या? नहीं तो फिर आप मोहन जी के हाथ से क्यों खाना खा रहे? और मोहन जी, आपने क्या गुलाम वाले कपड़े पहन के रखे? कब से पूछ रहा हूँ, जवाब नहीं दे रहे आप? गज्जू, आपने गटर का ढक्कन खोल के बताओ उनको। जो हुकुमा का सरकार, हम मालिक का गुलाम हो गया हूँ, हम मालिक के खिलाफ कोई भी बात या काम करी तो मालिक हमका टेटवा टूटता है। क्या बोल रहे? लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे? सरकार अपने गटर का ढक्कन बंद करो और पानी पिलाओ हमको। सरकार अभी बताना मुश्किल ठहरी। अच्छा सुनो, अब जरा स्वीट खिलाओ हमको। स्वीटवा खाई? मेरा मालिक स्वीटवा खाई, मेरा मालिक स्वीटवा। स्वीटर के साथ साथ उंगली भी खाई। जो तुम्हें दर्द का एहसास जाहिर करने का कोई हक नहीं है, समझे तुम? समझे? जी मालिक। आप खिलाओ हमको स्वीट। जी मालिक। स्वीट रख दो। जी। उंगली। हमारा मालिक उंगली खाए, हमारा मालिक उंगली खाए। हम रोवत नहीं, हम हंसी, हम हंसी। आओ शाबाशी लो हमसे। जो हुकुमा का। गुड बॉय, गुड बॉय। अब आओ हमारे पीछे पीछे। अब ये कौन निकालेगा, ये कौन निकालेगा, ये कौन निकालेगा, ये कौन निकालेगा? हम निकालिए, हम निकालिए,
हम जाइए। जाओ जाओ। आई दाई। सर खाना खत्म हो गया तो मैं ले जाऊं। एक मिनट ये बता, ये मोहन जी गुलामों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? सर मोहन जी को है ना वर्मा साहब ने खरीद लिया है। खरीद लिया? कितने में? सर वर्मा साहब कह रहे हैं कि 10 लाख में खरीद लिया। ब्लैक में खरीदा होगा। सैया मगन पहलवानी माँ, सैया मगन पहलवानी माँ, हम लूट गई हूँ भरी जवानी माँ। क्या बेवड़ा गाना गा रहे हैं? क्या बेवड़ा गाना गा रहे हैं आप ये? हाँ माँ, एक भोजपुरी फिल्मों में तो ऐसे ही सैमी बलकर गाना होता है, हम क्या करूँ? सैया मगन पहलवानी। मोहन जी ये आप क्या कर रहे हैं और ये क्या हुलिया बना रखा है? ये आपके मोहन जी नहीं रहे, ये हमारे जर खरीद गुलाम है गजोधर। हाँ मालिक, मालिक ने हमें खरीद लिया है। ये आप क्या बकवास कर रहे हैं? आप इतने सस्ते हो गए हो क्या कि कोई भी ऐरा गैरा आपको खरीद लेगा? पूरे 10 लाख में खरीदा है मैंने इस गुलाम को। तुमने मुझ पर कभी 10 रुपए नहीं खर्च किए, इनके ऊपर 10 लाख क्या खर्च करोगे? गजो मालकिन, अगर आपने हमारे मालिक के खिलाफ एक भी शब्द मुंह से निकाला तो हमसे बुरा कोई ना होगा। जी मैं आपकी दोस्त हूँ, आप एक घटिया आदमी की गुलामी क्यों कर रहे हैं? गज्जू मैडम कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने नमक का कर्ज अभी के अभी चुका दे जाइए। वेरी गुड। अच्छा गज्जू, मीरा जी कुछ नाराज रहती हैं आजकल हमसे, तो कल तुम्हारा काम ये होगा कि तुम उनको हमारे केबिन में लेके आओगे, ठीक है? जो आज्ञा मालिक। ये लो मोहन जी, लीजिए कॉफी लीजिए। सद्दू तू मेरा सच्चा दोस्त है यार, मुझे कितना ख्याल लगता है, वरना वर्मा साहब ने मेरा जीना हराम कर दिया, गुलाम बना के मुझे बर्बाद कर दिया मुझे। गज्जू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इजाजत के बगैर ये कॉफी पीने की? मैंने पिलाई, क्या बुरा किया? एक तो गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो, तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। सर आप मोहन जी से ज़ाती कर रहे हो, देखो जुल्म फिर जुल्म होता है, जब बढ़ता है तो जुल्म करने वाला मिटता है और खून खून होता है, टपकता है तो जम जाता है। हमारे काले मोटे भद्दे जिस्म से बगावत की बू आ रही। हाँ हाँ मैंने बगावत की है, क्या करेंगे क्या करेंगे आप? गज्जू गज्जू तुम हमारा मालिक से जबान दराजी करी, हम तुम्हारा गला टेप दी। मोहन जी क्या हो गया आपको? शाबाश गज्जू शाबाश, हम तुम्हारे नमक हलाली से खुश हुए। अब एक काम करो, अपने गाल हमारे हाथ में थपथपाओ और शाबाशी लो। जो हुकुम आका। यस गुड बॉय गुड बॉय। आ जाओ। नहीं हटी सैया मगन पहलवान। सुनो तुम्हें याद है ना हमने तुमसे क्या कहा था? हाँ अभी हम मीरा मैडम को लेके आत रही। गुड बॉय। मोहन जी ये क्या हो गया? रही क्या हो गया, क्या हो गया क्या आपको? मुझे कुछ नहीं पता मुझे क्या हो जाता है जब वर्मा साहब सामने आते हैं, तो पीछे मैं पागल हो जाऊंगा पागल। नहीं नहीं कुछ तो करना पड़ेगा। यस कविता मैडम को फोन करता हूँ। कविता मैडम मैं सद्दू बोल रहा हूँ। चलिए अंदर, चलिए चलिए ले आया मालिक। गुड बॉय गज्जू गुड बॉय। व्हाट डू यू मीन गुड बॉय? ये क्या बदतमीजी है सर? मेरा जी मैंने इसलिए नहीं कहा था कि आपको फोर्सफुली लेके आए, मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाह रहा था। लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती गज्जू। अगर आप मालिक से बात नहीं करेंगे तो हम अपने आप को पीटूंगा। नहीं गज्जू उससे कुछ नहीं होगा। बैंडाम। हाँ मालिक इसे। मैं बात करूंगी। ठीक है गज्जू हवा आन दो। जो हुकुम मेरे आका। क्या कर रहे हो? आपने कहा हवा आन। अबे भाजा के भाई। वो हवा। मेरे दर से क्या क्या है क्या है? ये भीख मंगो के गाने क्यों गा रहे हो? चलो हटो यहाँ से। हम तो अंदर नहीं जान दी। देखिए मोहन जी मुझे वीरा जी और वर्मा जी से काम में जाने दो। मालिक का हुक्म है हम अंदर किसी को नहीं जान दी। अरे वो मैं आपके मालिक का मालिक हूँ, जाने दो मुझे। ज्यादा बहस करी हम तो मोहन जी, मोहन जी तोड़ दीजिए इन गुलामी की जंजीरों को। विनोद ने आपको धोखा दिया है, ड्रामा कर रहे हैं वो आपके साथ। क्या बात कर रहा है मैडम? हाँ सद्दू चल 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 चल
वकील नहीं, ये चने बेचने वाला है। हमने इसे चने बेचते हुए पकड़ा है। हाँ मोहन जी, ये सच है, ये नकली कागजात है। इससे ये चने की पुड़िया बनाता है। वर्मा साहब ने हमें बेवकूफ बनाया। वर्मा साहब ने धोखा दिया मुझे, चीटिंग की मेरे साथ, गुलाम बना के इतना काम करवाया, इतनी मसाज करवाई, इतना। चिंता मत कर बेटा, चिंता मत कर। उस विनोद वर्मा ने कानून का सहारा लेके तेरे जैसे मासूम के साथ खिलवाड़ किया, अब कानून उसको जरूर सजा देगा। मेरा जी, अब आपके और हमारे बीच की दीवार मेरी गुलाम बन चुकी है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं मेरा जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी सर। नमक हराम, मैंने तुमसे क्या बोला था कि बाहर जाके बैठो? अब तुम अपने गाल मेरे हाथ से चार बार टकराओगे। कमान कमान। मोहन जी, ऐसा कुछ नहीं करेंगे विनोद, तुम्हारे राज पर से पर्दा उठ चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे मालूम पड़ चुका है सर कि वो वकील भी फ्रॉड था, वो कागज भी फ्रॉड थे, और आपने चीटिंग की है, मेरे साथ चीटिंग की है। मिस्टर विनोद वर्मा, आपने कानून का सहारा लेके एक मासूम से आदमी को टॉर्चर किया, उसे अपना गुलाम बनाया, कानून इसकी सजा देगा। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे दोस्त हैं, मेरे कलीग हैं, हम लोग 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रहा था। कानून कोई मजाक करने की चीज नहीं है। फिर भी अगर मोहन जी अपना एफआईआर वापस ले तो कुछ हो सकता है। प्लीज वापस ले मोहन जी, प्लीज वापस ले प्लीज। ठीक है, मैं अपना एफआईआर वापस लेता हूँ। ये लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए, आइंदा कानून के साथ मजाक ना हो। जी जरूर मोहन जी, फाड़ दीजिए ना उसको। एक मिनट सर, ये एक शॉट पे फटेगा। बोलिए ना कि आज से आप मेरी गुलामी करेंगे। जायजा हुकुम मालिक। विनोद है? जी सरकार। चलो हमारी मालिश कराओ। जी सरकार। मालिक, अब तो हम बहुत दबा दिया है आपका हाथ, अब तो फाड़ दीजिए ना। अब तो हमारे गुलाम हो तुम, अब क्या काम इसका।